गाना बजाने से पहले गाना सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गाने को हम पहले बजा के सुनाते हैं फिर आपको ट्यूटोरियल देते हैं। आज का गाना है ऐ मेरे हमसफर कयामत से कयामत फिल्म का। तो गाने का पहला लाइन क्या है, ऐ मेरे हमसफर, तो नोटेशन होगा आपका मिडिल ऑक्टेव का कोमल नि से। तो इसको भी दो हिस्से में डिवाइड करके हम लोग सीखेंगे कैसे, ऐ मेरे और हमसफर। तो ऐ मेरे के लिए आपको क्या करना होगा, नी धापा, और हमसफर के लिए भी नी धापा। तो दोनों का दोनों नी आपका क्या होगा, कोमोली और मिडिल ऑक्टेव का पूरा नोट। तो कैसे पड़ेगा फिर से देखिए, ए मेरे नी धप हम सफर नी धप, लेकिन दोनों नी को अलग तरीके से बजाना है। पहला वाला नी प्लेन बजेगा बिल्कुल कैसे, और नेक्स्ट नी जो बजाएगा कैसे बजाएगा, वही हाफ खोल के फिर फुल प्रेस करके फिर छोड़ देना, उस टाइप का बजाना होगा कैसे देखिए। जब दाबिएगा तब भी क्या कीजिएगा, फुल प्रेस करके फिर हाफ छोड़ के फिर फुल प्रेस कीजिएगा, और जब खोलेगा फिर भी क्या कीजिएगा, वही हाफ खोल के फिर फुल प्रेस करके फिर छोड़ देना है। अगर ऐसे नहीं होगा तो प्लेन बजा लीजिएगा फिर भी चलेगा। प्लेन बजाने से कैसे बजेगा एक बार देखिए, और अगर आप स्टिक्स डालते हो तो कैसे बजेगा वो भी देख लीजिए। तो प्लेन बजाने से पहले प्लेन बजा के दिखाते हैं। आप देखिए स्टिक्स डाल के कैसे होगा, तो आपको जो अच्छा लगे वही बजाएगा। नेक्स्ट लाइन, एक जरा इंतजार, तो इसको इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिएगा, एक जरा और इंतजार। एक जरा के लिए क्या बजाना होगा आपका, नी नी रे, और रे होगा आपका हायर एक्टिव का, और दोनों का दोनों नी मिडिल एक्टिव का कोमल नी है। एक जरा नी नी रे इंतजार सा नी धापा धापा मा, तो यह जो सा है हायर एक्टिव का है, बाद बाकी नोट आपका मिडिल एक्टिव का है। अब दोनों नोटेशन का जोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा लाइन बन जाएगा। तो इसको बजाएगा कैसे, तो यह गया स्लो, अगर फास्ट बजेगा तो कैसे बजेगा एक बार देख लीजिए। स्लो बजा के इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, फिर बाद में जाकर फास्ट बजाइएगा। नेक्स्ट लाइन, सुन सदाई मा मा धा पा मा, पूरा का पूरा नोट आपका मिडिल एक्टिव का। नोटेशन बहुत ईजी है, बजाने में भी जो है आसान है। चलिए देखिए कैसे बजाइएगा। नेक्स्ट लाइन, दे रही है, सेम नोटेशन पहले लाइन की तरह, मा मा धा पा मा। नेक्स्ट लाइन, मंजिल प्यार की रेनी धा पा पा, तो नहीं होगा आपका मिडिल एक्टिव का कोमल नहीं, पूरा का पूरा नोट आपका मिडिल एक्टिव का है। इस पूरा लाइन को एक साथ बजेगा तो कैसे बजेगा, तो लास्ट में जब इस तरह वाइब्रेशन भी डालना है।
इसके बाद आता है अंतरा, अंतरा का पहला लाइन क्या है, अभेजुदई कमसम। नेक्स्ट लाइन, दो पल का मेहमान। पहला वाला लाइन क्या था, अभेजुदई कमसम, अभेजुदई कमसम। इस लाइन के लगभग क्या बजाना है, पा परेशा निधनी सधा। तो यह रे और सा होगा आपका हायर एक्टिव का, बाद बाकी नोट आपका मिडिल एक्टिव का, और नी जो है या कोमल नी मिडिल एक्टिव का है। तो कैसे बजेगा देखिए, पा परेशा निधनी सधा। दो पल का मेहमान। नेक्स्ट लाइन है, दो पल का मेहमान, मामा सनी धपा धानी। यह सिर्फ सा है एक्टिव का है, बाद बाकी नोट आपका मिडिल एक्टिव का है, और दोनों का दोनों ही कोमल होगा। तो दोनों लाइन का फर्स्ट बजेगा तो कैसे बजेगा, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट लाइन है, कैसे न जाए अंधेरा क्यों न थमेगा तूफान। तो ये दोनों लाइन का नोटेशन, पहले जो दो लाइन था आभे जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, वही दो लाइन का नोटेशन यहाँ रिपीट होगा। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ बजा के दिखाते हैं। इसके भी फिर उसी तरह बजाएगा, आ परेशानी द निसाधा, मा मा सा निधा पाधानी। नेक्स्ट लाइन, कैसे ना मिलेगी। नेक्स्ट लाइन, मंजिल प्यार की। तो नोटेशन शुरू होगा मिडिल एक्टिव का नी से, नी नी सारे सा धापा मा। कैसे बोलेगा इसको, नी नी सारे सा धापा मा। नेक्स्ट लाइन के लिए, मंजिल प्यार की, रे नी धा पा पा। तो कैसे बजेगा देखिए, तो यह जो रे और सा है हायर एक्टिव का, बाद बाकी नोट आपका मिडिल एक्टिव का है, और नेक्स्ट वाला जो लाइन है पूरा का पूरा नोट आपका मिडिल एक्टिव का है। तो कैसे बजेगा देखिए, तो इसी नोटेशन को आप रिपीट कर दीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा गाना बच जाएगा।